हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पिलो कवर की कटिंग। पिलो कवर की कटिंग आप किसी भी कपड़े से आप घर पे पिलो बना सकते हो। जैसे आपकी टी शर्ट है उसमें से भी आप पिलो तैयार कर सकते हो। जो सूट है आप नहीं अभी डालते हो उसके बीच में से आप कपड़ा निकाल के पिलो बना सकते हो, क्योंकि पिलो के लिए हमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ 2 पीस चाहिए हमें इसकी सिलाई के लिए, हमें ज़्यादा पीस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे कि आपका सूट है उसमें से आराम से ये निकल जाता है, टी शर्ट है उसमें से भी आप निकाल सकते हो। उसमें से अगर टी शर्ट हमारी क्योंकि छोटी होती है तो उसमें से थोड़ा छोटा पिलो निकलेगा कवर। पहले अभी हम पिलो का नाप लेके बता रही है कि किस तरह से आपने इसका नाप लेना है। ये देखिए, जैसे ये 27 इंच हमने इसकी लंबाई है, जो पिलो है हमारी 27 इंच इसकी हमने लंबाई रखी हुई है। तो आधा आधा इंच हम जो फोल्ड करते हैं उसके लिए रख लेंगे, और बाकी का ये देखिए जो हमने फोल्ड करना होता है ये तकरीबन 1.5 इंच का है। हमने जो चीज़ साइड पे बाउंड्री की हुई है 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह से आपने पिलो का नाप ले लेना है। पहले अभी हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। चौड़ाई देखिए इसकी अच्छे से खींच के यहाँ से लेनी है हमने, तकरीबन 20 इंच की जो चौड़ाई है वो है हमारे पिलो की। तो आपने इस तरह से पहले पिलो को नापना है। कटिंग से पहले पिलो का नाप लेकर फिर ही आप उसके पिलो कवर की आपने कटिंग करनी है। तो अभी मैं इसका पैटर्न बता रही हूँ कि आप किस तरह से घर पे ही पिलो की कटिंग कर सकते हो। इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही इजी होती है, पिलो कवर की बहुत ही सीधी सी सिलाई होती है। इसके हम जो तीनों साइड पे सिलाई लगाते हैं, ऊपर जो होता है वो अलग से, हम जो पीछे का साइड का पीस होता है उसकी सिलाई करते हैं। बहुत ही सिंपल सी सिलाई है, आप बहुत ईजी से घर पे ही पिलो तैयार कर सकते हो किसी भी कपड़े से। अभी हम इसकी कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। इसकी कटिंग के लिए हमने डबल कपड़ा रखना है। पहले इस तरह से हमने डबल कपड़ा रखना है। ये देखिए, ये आगे और पीछे वाला पल्ला हो गया। तो हमने ये डबल पीस लिया है कपड़े का। इसकी मैं आपको कम लेंथ लेकर समझा रही हूँ, लेकिन आप जितनी भी आपने लेंथ लेनी है तो आप सेम रख सकती हो। इसी तरह से जितनी भी आपने इसकी लेंथ इसकी चौड़ाई रखनी है तो आप इसके हिसाब से रख सकते हो। हम इसकी जो है लंबाई रख रहे हैं, मैं आपको 15 इंच इसकी लंबाई लेके बता रही हूँ। तो उसके हिसाब से आप जितनी आपने लंबाई लेनी होती है तो उतनी आप ले सकते हो। 15 इंच हमने लंबाई रखी है। तो इसके लिए हमने 15 इंच जो लंबाई रखी है, हम जो साइड पे हमने पट्टी अगर फोल्ड करनी है तो उसके लिए हमें अलग से लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने 1.5 इंच यहाँ से रखा है तो उसके बाद हमने यहाँ से 15 इंच लेनी है। अगर आपने पट्टी फोल्ड करनी है तो यहाँ से 15 इंच लेनी है आपने। इसके बाद आपने 1.5 इंच अलग से रखना है इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा जो 15 इंच रखा है हमने, पहले उसका निशान लगा लिया है। अभी जो 1.5 इंच हमने यहाँ से लिया है इसके लिए लगा लेंगे। इसी तरह से हमने ऊपर से भी लगा लेना है। इसकी चौड़ाई है हमारे पास 13.5 इंच इसकी चौड़ाई है। आपने जो सिलाई है आप जहाँ से भी 1.5 इंच छोड़कर जिस तरह से हम जहाँ से पट्टी निकालेंगे इसी तरह हमने साइड पे भी पट्टी निकाल लेनी है। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। पहले हम जो आगे वाला पल्ला है उसकी कटिंग करके मैं आपको समझा रही हूँ।
आपने सेम इसी तरह कपड़े की कटिंग करनी है, जो भी आपके पास कपड़ा है। ये आगे जो वाला हमारा हो गया किलो कवर का, अभी हम पीछे वाले की कटिंग करेंगे। पीछे वाले की कटिंग के लिए हमने हमने 5 इंच ऊपर से रखना है पहले, यहाँ से ये 5 इंच का हमने निशान लगा के हो गया हमारा। तो उसके बाद हमारे पास बचा, हमने जैसे कि पहले आगे वाले की 15 इंच की कटिंग की है, तो उसके लिए हमने जहाँ से अभी रखना है अब ये 5 इंच एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, टोटल हमारा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 10 इंच रख रहे हैं, डेढ़ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये पट्टी जो है हम अलग कटिंग कर लेंगे इसकी, ये सिलाई में पीछे की तरफ हम इसको लगाते हैं। तो इस तरह से हम इसके जो पिलो कवर है उसकी कटिंग करते हैं।